जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम संतोष रमन यादव गुरु जी है। मेरे DNA में 5 लोग हैं। मैं जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए कई लोग रखे DNA में। गुरु जी 5 लोग हम हैं। ठीक है, ये आपके और बच्चे के कॉमन कष्ट थे, मिलते जुलते सब नष्ट हो गए। कुछ असाध स्मृतियाँ कल महावन में नष्ट हो जाएगी। अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, हार्ट अटैक की स्मृति थी, लिवर सिरोसिस की स्मृति थी, यूरेथ्रा जो है श्रिंक हो रहा था, यूरेटर में सूजन, गंदे नकारात्मक विचार आना, कमर में दर्द और जकड़न होना, श्वास फूलना, पेशाब करने में जोर लगाना, घबराहट बेचैनी बने रहना, स्लिप डिसऑर्डर था, कार्य के प्रति अरुचि होना, किडनी में इन्फेक्शन, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, भोजन नली में, लंग्स में, गॉल ब्लैडर में, लीवर में, यूरेथ्रा में और गले में। इस सब नष्टीकरण हुआ, किडनी ऐसे डैमेज हो रही थी आप लोगों की, आप दोनों की। किडनी में सूजन हो रही थी, किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यूरेथ्रा में सूजन हो रहा था और पेशाब करने में कष्ट हो रहा था, होता था। आप सब बढ़िया, तमाम सभी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, बची कुछ है जो रोग रिपीट कर सकती थी वो स्मृति नष्ट। बहुत कृपा रहा है दरबार। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप लोग मस्त रहिए, बाबा माँ से जुड़े रहिए आनंद। गुरु जी एक माफी चाहता हूँ, गुरु जी एक माफी चाहता हूँ। पिछली बार दंडवत यात्रा में गुरु जी हम लोग आए थे, एक दिन के बाद नहीं कर पाए थे, बाबा माता से क्षमा मांग के चला गया था, तो बाबा माता ने वनडे के लिए बुला लिया। कोई बात नहीं, एक ही बात है। हर एक की क्षमता उतनी नहीं होती, शरीर की क्षमताएं अलग अलग, जीवन की क्षमताएं एक जैसी रहती हैं लेकिन शरीर की क्षमता अलग। बढ़िया है, आइए हीरो, खुश है। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए हीरो, क्या हाल है गुरु जी? पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान नहीं लगता गुरु जी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगता गुरु जी, पढ़ाई लिखाई याद नहीं होता है। नहीं लगता था। आप देखो अब क्या मन कर रहा है, आप देखो अब क्या मन कर रहा है। अब गुरु जी ठीक लग रहा है सब कुछ। क्या लग रहा है, पढ़ना है खूब कि नहीं पढ़ना है? क्या लग रहा है, पढ़ना है खूब कि नहीं पढ़ना है? हाँ गुरु जी अब लग रहा है बस। तमाम खराब खराब विचार आते बन गया गुरु जी, जितने खराब खराब विचार थे सब नष्ट हो गए, जो हमेशा ट्रेवल करते रहते थे जी गुरु जी, परेशान करते थे। अब आप एक शुद्ध और सात्विक विचारधारा के साथ अपना सब काम कर पाएंगे। गुरु जी मेरे कान के नीचे थोड़ा गांठ बन गया है, खत्म हो जाएगी, सूजन टाइप का है, खत्म हो जाएगी, अब वहाँ कोई कष्ट नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, है ना? ठीक गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, खुश हो। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद हो, थोड़ा एक नौकरी वगैरह मिल जाए, आगे पढ़ाई लिखाई करके तो बढ़िया है सब, पढ़ाई मजे में कर लो, पहले भी नौकरी आगे है ही, और भी कुछ आगे है, नौकरी के अलावा भी कुछ आगे है। जी जी गुरु जी बिल्कुल, खुश रहो। ठीक है, सादर प्रणाम, मस्त रहो। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी आपकी और माँ बाबा की कृपा से मुझे भी कोई कष्ट नहीं है, और अगर कोई कष्ट होता भी है तो जैसे ही संकल्प करती हूँ सही हो जाता है। बिल्कुल बेटा, वो सबसे बड़ी शक्ति है, संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है ना, हमेशा अच्छे रहोगे, सब गंदगी गई, खुश रहो, मम्मी को आगे लाओ। गुरु जी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स देते हैं बट होता नहीं है। आप देखो कर पाओगी कि नहीं, क्या लग रहा है? आप देखो कर पाओगी क्या लग रहा है? अब लग रहा है हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस है, खूब रुचि है, आप सब कर पाओगे, ठीक है, आप सब कर पाओगे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखो आप लोगों के रोग कष्ट ये सब हट गए, नष्ट हो गए, आपके तमाम कष्ट हैं, बच्चियों के भी थे इसी में शामिल, सब नष्ट हो गए। सिज़ोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, आँखों में धुंधलापन, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, पेट में दर्द होना, गंदे स्पंदन होना, श्वास फूलना, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, मासिक अनियमित रहना, OCD की स्मृति थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, बात करने का मन ना होना, अकेले रहने का मन करना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी,
रेक्टम में इन्फेक्शन, घुटनों में सूजन और दर्द होना, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, हार्मोनल इम्बैलेंस था, रोमैटिक ऑर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोर जोर में दर्द होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, गले में सूजन था, अंडाशय में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, श्वास नली में, लीवर में, यूट्रस में, कोलोन में, यूरिनरी ब्लैडर में, रक्त में और गले में। ठीक है, सब फर्स्ट क्लास। यूट्रस खराब हो रहे थे आप लोग, सब अच्छे किए बाबा ने, माँ ने सब, देखिए दरबार ने सब अच्छा किया। यूट्रस सिकुड़ रहा था, पस भर रहा था यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, पीसीओडी की स्मृति थी और प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन होते थे, सब नष्ट हो गए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी अभी मुझे कोई कष्ट नहीं है दरबार की कृपा से, बस मुझे थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम्स है और बस सब कुछ ठीक है। वो भी खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं, ठीक है। खुश रहो, आपके संकल्प से प्रार्थना से सब चली जाएगी, आपको पढ़ाई मन लगेगा, आपको अपना काम कर पाओगे अच्छे से, है ना। खुश रहो। जी गुरुजी, मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छे गए दरबार की कृपा से। और अच्छा हो जाएगा, है? सब पढ़ा लिखा याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं कभी आप। खुश रहिए। गुरुजी उसमें महाआवन में गुरुजी किसको किसको रखना है थोड़ा सा बता देंगे तो? देखते हैं, एक तो आपकी धर्म पत्नी रहेंगी, और बिटिया जो खड़ी है ये आगे बात कर रही थी, हाँ ये रहेगी, और कौन है? हाँ छोटी वाली जी, कई लोग हैं, पाँच ही लोग, बस यही तीन लोग रहेंगे, यही इनकी माता जी दोनों बिटिया, हाँ यही लोग रहेंगे, बाकी बढ़िया है। गुरुजी ये लोग हमको हमेशा परेशान कर रहते हैं, कोई समस्या होती है पापा तो गुरुजी आप बताएं बाबा का ध्यान करके वो हाथ लगाने वाला कर देता हूँ, सब ठीक रहते हैं। बढ़िया है, वही तो शक्ति है आपके पास गुरु जी, तो दरबार ने दे रखी परिवार की, बस अपना ऐसे आशीर्वाद बनाए रखेगा गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप। हरी हरी। जय जय राधा रमन हरि बोल।